नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास में हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन को ज्यादा कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं हर टेस्ट में आप लोगों से कहती भी हूँ कि मॉक टेस्ट तो लगाइए, साथ ही साथ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि आपके परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बनेंगे। कोई कितना भी कहे कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप अपनी बुक से जरूर एक बार रीड कर लिया करिए, ठीक है। तो अगर वहां से दूसरे तरीके के प्रश्न भी बने तो आप सॉल्व कर सकते। चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज हम डेली टारगेट रिवीजन भी करेंगे। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको सारे टेस्ट की प्रोवाइड की जाएगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि 3000 प्रश्न होंगे, और ये जो प्रश्न होंगे वो आपके बायलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर दो व्हाट्सएप नंबर लिखे हैं, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास के प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। यहाँ पे सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित करना। एक तरफ आपको विटामिन दिया है, एंजाइम दिया है, हार्मोन्स दिया है और प्रोटीन दिया है, ठीक है। तो बताइए क्या क्या होगा आपका, मैच करिए इसको, थोड़ा समय लीजिए। आप में से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम थोड़ा समय दिया करिए उत्तर के लिए, तो थोड़ा समय लीजिए, बताइए। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो हमने कितनी बार पढ़ा है, कैरोटीन जो है वो विटामिन है, ठीक है। कैरोटीन विटामिन ए होता है, ये पता है ना आपको, ठीक है। दूसरा हम देखें एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा आपका एंजाइम है बताइए, पेप्सिन है कि कैराटीन है कि प्रोजेस्ट्रॉन है। तो एंजाइम आपका पेप्सिन है, तो बी का फर्स्ट हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब आपके सेक्स हार्मोन है, तो सी का फोर्थ हो गया। और प्रोटीन में आपका कैराटीन हो गया। आजकल आपने देखा होगा हेयर ट्रीटमेंट में कैराटीन का यूज किया जाता है, लोग कहते हैं कैराटीन ट्रीटमेंट करा लीजिए आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको उत्तर मिल गया होगा। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप अवेयर रहेंगे ना तब भी आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर पेप्सिन की अगर हम बात करें तो ये स्टमक एंजाइम होता है, याद रखिएगा, जो कि आपके डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो कि इन डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है आप कह सकते हैं। पेप्सिन इज अ स्टमक एंजाइम दैट सर्व्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन फाउंड इन इनडाइजेस्टेड फूड, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहां पर आपका अगर उत्तर देखेंगे तो ए का सेकंड हो गया, दो जगह दिया है, बी का फर्स्ट भी दो जगह दिया है, हार्मोन्स में यहां पर आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया और फिर प्रोटीन हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास, आगे बढ़ते हैं। आज आपको समय दिया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इधर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम सिंथेटिक स्वीटनर है, नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबड़ है, रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीटोसिन की हम बात करेंगे तो ये हार्मोन है, ठीक है, और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखिएगा। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, सीने से लगाती है, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब डेयरी में लोग क्या करते हैं, जो गाय है भैंस है उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि ज्यादा दूध प्रोड्यूस हो और ज्यादा बिक्री हो, लेकिन ये एक
अगर आप इसको आर्टिफिशियल मैनर में इंजेक्ट करेंगे तो ये आपकी बॉडी को क्या करेगा, नुकसान करेगा ना। ऐसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो मैच्योर दिखे। ठीक है, वो मैच्योर दिखे। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर हमारी बॉडी में नेचुरली ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, देखती है, निहारती है, तो ऑक्सीटोसिन उसकी बॉडी में बनता है और मिल्क सिक्रीशन होता है। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल मैनर में थ्रू इंजेक्शन इसको इंजेक्ट किया जा रहा है तो वो डेंजरस भी हो सकता है। एस्पार्टम की अगर हम बात करेंगे, ये एक सिंथेटिक स्वीटनर होता है, जिनके घर में भी अगर कोई भी इंसान वो खाता है, क्या शुगर फ्री खाता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, जो शुगर फ्री डाल के गोलियां खाते हैं, उसमें देखिएगा एस्पार्टम लिखा रहता है, पीछे देखिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा। देखिए क्लास, जब भी आप कोई चीज पढ़िए ना तो उसको अपने सराउंडिंग्स में देख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसे रटने बैठोगे तो भूल जाओगे। अब मैंने आपको बताया ये चीज, तो आप जाओ घर में कोई भी शुगर फ्री खाता है, शुगर फ्री उठाओ और पीछे देखो लिखा है कि नहीं, आप पाओगे लिखा है। ठीक है, नियोप्रीन की अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज रबड़ होता है, जो कि बिल्कुल ही सही है आपका। ठीक है, रेयॉन का आपका लिखा है मॉडिफाइड स्टार्च, मतलब रूपांतरित स्टार्च। तो बताइए यहां पर क्या होगा, नहीं, जो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये आपके रेशे होते हैं, याद रखिएगा। रेयॉन सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और कई ऑप्शंस के साथ, मैथ्स द कॉलम के साथ ही आपका पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, अगर हम नियोप्रीन की बात करें क्लास, तो नियोप्रीन मैंने आपको बताया ये एक स्पेशलाइज्ड रबड़ होता है। ठीक है, ये आपका मेडिकल ग्लव्स बनाने के लिए या फिर बेल्ट बनाने के लिए, ऑटोमोटिव फैन बेल्ट बनाने के लिए, तो ये रबड़ की तरीके का होता है, रबड़ है ना, स्पेशलाइज रबड़, तो ग्लव्स बनाने के लिए, शीट अप्लाइड एलास्टोमेरिक मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए नियोप्रीन का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी आपका सही उत्तर है, जो कि हमने डिस्कस किया। रेयॉन सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, याद रखिएगा, ना कि रूपांतरित स्टार्च। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में जाली बनाने आदि में किया जाता है। और यहां पर नियोप्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपका एक सिंथेटिक रबड़ होता है, तो ये आपका ग्लव्स बनाने में, ठीक है, फिर उसके बाद इंसुलेटर बनाने में या फिर स्लीव्स बनाने में, इन सब में इसका प्रयोग होता है, लैपटॉप स्लीव्स बनाने में, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैं इस पर इतना फोकस कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इंसुलिन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये जो हार्मोन है ये ब्लड शुगर को नियंत्रण में लाता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, एकदम सही है। मेलाटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप, अब याद रखिएगा, मम्मी लोग अक्सर कहती हैं घर पे बड़े लोग, लाइट बंद करो और सो जाओ, ठीक है, मोबाइल मत देखो, तो क्यों बोला जाता है कि मोबाइल रखो, लाइट बंद करो और सो जाओ, क्योंकि जब आप डार्क में रहते हो, ठीक है, जब लाइट बंद करते हो, कहा जाता है लाइट बंद करके सो, तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन से वो सिक्रीट होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण नींद अच्छी आती है। ये याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन निद्रा के नियंत्रण के लिए कार्य करता है, तो आप बताएंगे मेलाटोनिन। ठीक है, और ये डार्क में प्रोड्यूस होता है, अंधेरे में इसका सिक्रीशन ज्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर लिखा है, नहीं, तो ये तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, ना कि ब्लड प्रेशर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन विमेन। ठीक है, तो जब मेनोपॉज, जो पीरियड्स खत्म होते हैं, मतलब पॉज लग जाता है उस पर पूरी तरीके से, तो यहाँ पर बोला जाता है ना कि 40 से 45 एज के बीच में औरतों का मेनोपॉज हो जाता है, तो कौन सा हार्मोन उनकी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता है, ये बोला गया है। तो प्रोजेस्टेरोन दिया है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन दिया है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन दिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये आपका फीमेल हार्मोन से, लेकिन जब मेनोपॉज आपका लगता है तो उसके
बात कौन सा हार्मोन विमेन्स में नहीं प्रोड्यूस होता वो है एस्ट्रोजन, सी सी होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेस्टेरोन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेल हार्मोन है, याद रखिएगा मेल हार्मोन है ये, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाई आईलेट बीटा सेल, ठीक है। यहां पे जो आईलेट ऑफ लैंगरहेंस है उसके बीटा सेल द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, तो यहां पर देखिए जब हम बात करते हैं आईलेट ऑफ लैंगरहेंस की, तो यहां पर आपका अल्फा सेल होता है, ठीक है, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है। तो जो अल्फा सेल है वो आपका ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करता है, और हम बात करेंगे बीटा सेल की तो बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है, ये बताइए, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। यहां को क्या दिख रहा है, ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज अग्नाशय जिसको कि हम बोलते हैं, तो पेनक्रियाज में आपके अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीटी सेल प्रोड्यूस होता है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है, ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल की हम बात करेंगे तो सोमाटोस्टैटिन, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोक इन लोकसभा, तो मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज या फिर प्रतिभा पाटिल, तो यहां पर सही उत्तर क्या है, ए मीरा कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं और दिया गया है कि लोकसभा में जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं वो कितने हैं, 80 है, 80 सीटें हैं। तो अब अभी तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि कितना है, बताइए दोनों सही है, एक सही है कि एक भी सही नहीं है, कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, आपकी 80 सीटें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों ही आपके सही हैं, बोथ बोला गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो डी दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक ओवर, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है, जो संयुक्त बैठक होता है, अगर हम बात करें ज्वाइंट सिटिंग होती है वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होती है, ठीक है, इसको बुलाता कौन है, इसको सम्मान कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाता है, और इसको प्रिसाइड कौन करता है, जो स्पीकर है लोकसभा का, जो स्पीकर है वो इसको प्रिसाइड करता है। और ज्वाइंट सिटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, अगर कोई बिल आपका संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है क्या उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, नहीं, उसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है, मनी बिल में नहीं होती है, विनियोग विधेयक में नहीं होती है, हाँ अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, समान विधेयक है और डेडलॉक है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाएगा, ठीक है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 108 में, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है, इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी समान विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किए जाने का प्रावधान है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटीज टू द लोकसभा, 15, 20, 25 या फिर नन ऑफ द एबव, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, 20 है, ठीक है, याद रखिएगा 20 आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जो लोकसभा की अधिकतम मैक्सिमम सीट थी वो कितनी थी, 552 थी, लेकिन अब ये जो 2 है -2 हो गई है, क्यों -2 हो गई है, पहले दो सीटें लोकसभा में आपके एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती थी,
लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इसको जो दो सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती थी उस प्रोविजन को हटा दिया गया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 आपके जो सदस्य होते थे वो यूटीज से, यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित होते थे, जबकि दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, नॉमिनेट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ये प्रोविजन क्या है, ये प्रोविजन हटा दिया गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन नयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी देखें अगर हम वर्तमान में देखें कितनी सीटें अभी आपकी, मतलब इतनी मैक्सिमम सीटें हो सकती है, अभी कितनी है 543, 530 निर्वाचन क्षेत्र से, 13 आपके निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आप इस बार इलेक्शन का देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब चीजें ना आपका थोड़ा सा अगर एग्जाम में जब आप अपियर होते हैं तो अपडेट हो जाए करिए कि कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुआ है, कोई संशोधन तो नहीं हुआ है, तो ये सब चीजें जरूरी होती है। यहाँ पर देखिए, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज बोला गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का प्रावधान संविधान में कहा किया गया था, तो ये आर्टिकल 331 में किया गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एंग्लो इंडियंस के लिए अब जो सीटें रिजर्व थी दो, जिसमें कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, वो अब हटा दिया गया है। संशोधन किसमें किया गया है, आर्टिकल 334 में, ठीक है। अब ये सीटें नहीं रिजर्व है आपकी आर्टिकल 331 में। 331 में देखेंगे तो पहले प्रोविजन था कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा, ठीक है, तो ये आपका ए में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। अब यहां पर कोरम के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो याद रखिएगा कोरम के लिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आपका बना है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप आराम से कर लेंगे। तो क्या लिखा है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा ये अगर यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा रहे तो आप क्या बताएंगे, तब भी आपका क्या है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। राज्यसभा के लिए भी कोरम वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय राज्यसभा विद इन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कितने दिन तक। तो देखिए क्लास, यहाँ पर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो मनी बिल है, जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो मनी बिल आपका हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में ही। अगर कभी कहीं पे लिखा रहे कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, तो आप कहेगा बिल्कुल गलत, ठीक है। मनी बिल को से रिलेटेड जो भी पावर होती है वो लोकसभा के पास ही होती है, और जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है और ये जाता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास समय रहता है कि अगर वो कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे सकती है, और अगर राज्यसभा कोई भी एक्शन नहीं लेती है 14 दिन तक, तो उसको माना जाता है कि राज्यसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया है और फिर लोकसभा जो चाहेगी आगे करेगी, ठीक है। यही लिखा गया, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिन तक भी। अच्छा, अगर राज्यसभा कोई चेंजेस चाहती हो और सजेस्ट करती हो, तब भी अधिकार किसके पास रहता है, लोकसभा के पास रहता है कि वो राज्यसभा द्वारा बताई गई बातों को माने चाहे ना माने। और आप सभी को पता है यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन होती ही नहीं है, मतलब डेडलॉक की कंडीशन
डेडलॉक की कंडीशन जब होगी ही नहीं तो ज्वाइंट सेशन भी नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं होगा, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा नहीं मान रही है और लोकसभा मान गई है तो चलो दोनों को एक साथ बिठाकर जो इनके बीच में भेदभाव चल रहा है उसको खत्म किया जाए, नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, पूरी पावर मैनी बिल को लेकर किसके पास होती है, लोकसभा के पास रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए परिषद किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समॉन बाई, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा, तो इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का जो स्पीकर है। 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है, याद रखिएगा मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, By which constitutional amendment the number of central minister has been limited to 15% of the total member of Lok Sabha? संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो किसमें बोला गया था बताइए, किस अमेंडमेंट में बोला गया था ये? ये आपका बोला गया था 91st constitutional amendment के through। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये एक आसान सा प्रश्न था, यहाँ पे याद रखिएगा 91st संशोधन अधिनियम आपका 2003 में आया था। ठीक है, और इसके द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 15% तक ही हो सकेगी, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, Who among the following was the member of Lok Sabha during the Prime Ministership? तो कौन आपके Lok Sabha के member थे? तो यहाँ पर आपके देव गौड़ा दिए गए हैं, आई के गुजराल दिए गए हैं, चंद्रशेखर दिए गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह दिए गए हैं। यहाँ पे याद रखिएगा देव गौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह, ये लोग आपके अपर हाउस के थे। ठीक है, राज्यसभा के थे। चंद्रशेखर जी जो थे वो आपके लोकसभा के थे जब वो प्रधानमंत्री पद पे थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी। ठीक है, इफ इट गेट 4% वोट इन द स्टेट इधर इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन व राज्य में, क्या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करती है व राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करती है, या फिर आखिरी है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करती है, या फिर नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करती है तब उस पार्टी को हम रीजनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाई, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है बताइए, संसद देता है, लोकसभा देता है या फिर चुनाव आयुक्त देता है? तो जो भी डिस्प्यूट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में वो कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों पर नियंत्रण भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है और ये आपका अनुच्छेद 71 में दिया गया है, अर्थात इस चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि निर्वाचन नामावली के सदस्य में कोई रिक्ति हो गई है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ, बताइए कितनी एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, 58, 60, 62 या फिर 65? तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर होगा, 65। ठीक है,
और हाई कोर्ट के जजेस की बात करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए हाई कोर्ट के जजेस की एज क्या होती है। चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, हिंट भी मैंने दे दिया, लेकिन आप बताइएगा। स्टूडेंट्स, यही छोटी छोटी गलती आप लोग पेपर में कर देते हैं, इस वजह से मैं आप लोग से पूछती हूँ, तो आंसर देने का प्रयास किया करिए, ठीक है, लिख दिया करिए कि कितनी एज होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, अगला देखते हैं। Who has the right under the Constitution to seek the opinion of Supreme Court on the question of law? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको होता है, बताइए कौन राय ले सकता है? तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 143 देखेंगे तो उसमें जानते हैं क्या लिखा गया है, उसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा गया था तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट से तो राय कोई भी ले सकता है, लेकिन जब आप आर्टिकल 143 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्नों पर देखिएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ए आपका सही उत्तर है, आर्टिकल भी याद रखिएगा, ठीक है, एडवाइजरी रोल है यहाँ पर। चलिए, द रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन लेटर? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को? तो जब भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिजाइन करना रहता है तो वो अपना जो लेटर है वो संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, याद रखिएगा, किसको? प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? प्रीएम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, किसमें बोला गया है बताइए? यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली केस में, ठीक है, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ इंडिया यूपी, ठीक है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या फिर मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10, 9, 7 या फिर 5? तो कम से कम इनकी संख्या 5 होनी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, हियरिंग के लिए 5 मिनिमम जजेस बैठे रहने चाहिए, जब केस किससे रिलेटेड हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ये चीज याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया है, गोलकनाथ में, केशवानंद भारती केस में, शंकरी प्रसाद में या फिर सज्जन सिंह? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है केशवानंद भारती विवाद में 1973 में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कि हमारे संविधान में किसी भी तरीके का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि उस संशोधन से जो हमारा जो मूल ढांचा है उसके आधारभूत जो ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन ना हो, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, क्लास ए बार परीक्षा में आपको प्रश्न दिया गया था कि ऐसे केसेस दिए गए थे कि केशवानंद भारती केस, ठीक है, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, और बोला गया था इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अभी तक अगर आपने इनके इयर्स नहीं याद किए तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न बना था, जैसे गोलकानंद केस जो है वो आपका 1967 में आया है,
केशवानंद भारती केस 1973 में आया है, शंकरी प्रसाद केस जो है वो 1951 में आया है, सज्जन सिंह जो वाद है वो 1965 में आया है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सेक्शन ऑफ 377 ऑफ आईपीसी, आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आईपीसी से रिलेटेड है और सेक्शन 377 से होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ केज पैरेट, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है, तो ये क्या क्या दिया गया आपका, देखिए रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, विनीत नारायणी बनाम भारत संघ, 2G स्पेक्ट्रम में, या फिर कोयला आवंटन घोटाले में। तो सीबीआई को केस पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कोल गेट स्कैम में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कोयला आवंटन घोटाला वाद में, तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं और रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा दी गई है। अब क्लास देखिए लोकसभा की सीटों से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं, राज्यसभा की सीटों से भी रिलेटेड, तो इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, ठीक है, और पंजाब में 7। तो यहां पर आप देख लीजिए ए का फर्स्ट हो जाएगा, दो जगह दिया गया है, गुजरात में 11 सीट है, ठीक है, बी का ये हो गया, सी का क्या हो गया आपका फोर्थ हो गया 12 सीटें, पंजाब में 7 सीटें, तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। और मैंने आपको बताया है यूपी में कितनी सीटें हैं बताइए राज्यसभा की, तो 31 सीटें, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश 31 सीटें तथा सबसे कम प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही सीटें हैं राज्यसभा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, वो खाली आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता, उस विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर आपका साधारण बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, संवैधानिक संशोधन विधेयक भी लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है राज्यसभा में भी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्य पुनर्गठन भी दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन जो मनी बिल है वो खाली आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है बताइए, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, वो ए है, ठीक है, प्रधानमंत्री है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। चलिए, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर क्लास ये जो प्रश्न है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको पता ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ईस्टर्न बाउंड्री पे पूर्वी सीमांत पर आपका कौन सा इंडस साइट है, तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी हमने डिस्कस किया ये कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मांडा की तो मांडा कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि राखीगढ़ी कहाँ पर है बताइए, हरियाणा में है,
ठीक है, यहाँ पर हरियाणा हो गया, और हड़प्पा तो आपको पता ही है कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड आपका जो सबसे उस पे है वो है आलमगीरपुर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो जब हम बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि ईस्टर्न साइड की हम बात करेंगे, पूर्व दिशा की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ईस्टर्न पे आपका आलमगीरपुर है मेरठ, ठीक है, जो कि मेरठ में है, यूपी में है। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे, वेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका सुक्का केन्दोर हो जाएगा। उत्तर की बात करेंगे, नॉर्थ की, तो यहाँ पर आपका मांडा हो जाएगा जो कि जम्मू में है। और दक्षिण की बात करेंगे, साउथ की, तो दैमाबाद। और याद रखिएगा, दैमाबाद किस नदी के मुहाने पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए क्लास, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, From which archaeological site of Indus Valley Civilization the figure or a model of boats are found? यहाँ पे बोला गया है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कालीबंगा और रोपड़, दूसरा है हड़प्पा एवं कोटदीजी, तीसरा है मोहनजोदाड़ो एवं लोथल, और आखिरी है आपका धोलावीरा एवं भक्तराव। आप में से किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने के पहले थोड़ा सा टाइम हम लोगों को एक्स्ट्रा दे दिया करिए क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देने का, तो आज मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करूंगी, ठीक है। मैंने आपसे हमेशा कहा है क्लास, कोई भी परेशानी रहा करे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करिए। आप लोग जब कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं तो हम लोग का एक इंट्रैक्शन होता है, और जब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज इम्प्रूव करनी चाहिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देंगे हर प्रश्न के बाद, ताकि आप और अच्छे से उत्तर दे पाए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि वीडियो जो है वो बहुत स्लो है, तो आप क्या करिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मोहनजोदाड़ो और एवं लोथल से, ठीक है, सी सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड। देखिए ये भी एक रिसेंट का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मांडी कहाँ सिचुएटेड है। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया है, अगर हम मांडा की बात करेंगे तो वो जम्मू में है, ठीक है, और मांडी कहाँ पर है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी है, मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है आपका मांडी गाँव, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। तीन अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। चलिए चलिए क्लास, अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हड़प्पन साइट्स दिए गए हैं और स्टेट ऑफ इंडिया दिया गया है, यूटीज दिए गए हैं, तो बालू, मांडा, पाटदी और हुलास दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए हमने कितनी बार डिस्कस किया है मांडा कहाँ पर है, बताइए, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो बी का सेकेंड दो जगह दिया है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा इस जानकारी से। अब यहाँ देखिए हुलास की अगर हम बात करें क्लास, तो हुलास कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका डी का फर्स्ट भी कहाँ पे, दो जगह दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी सही उत्तर है। अगर हम बालू की बात करें, बालू कहाँ पर है, हरियाणा में है, और पाटरी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है। ये भी एक रीसेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा क्लास। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दूं, अगर हम यूपी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं इंडस वैली साइड, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आलमगीरपुर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आलमगीरपुर याद रखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बारगांव याद रखेंगे, हुलास याद रखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया हुलास कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, मांडी याद रखेंगे, सनौली याद रखेंगे और सूथी, ये सारे आप साइट्स याद रखिएगा, ये सारे इंडस वैली साइट्स कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर देख लीजिए गोलकोंडा दिया है, अहमदनगर दिया है, बीजापुर दिया है और यहाँ पे राजवंश दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं गोलकोंडा में, तो गोलकोंडा में कौन सा राजवंश था बताइए? गोलकोंडा में कुतुबशाही वंश था, जो कि एकदम सही है। और इसके संस्थापक कौन थे? कुली शाह थे, ठीक है। अहमदनगर की अगर हम बात करेंगे तो अहमदनगर में निजामशाही थी, जो कि एकदम सही है। और इसके संस्थापक कौन थे बताइए? अहमदनगर में निजामशाही के मलिक अहमद, ठीक है। बीजापुर की अगर हम बात करेंगे तो बीजापुर में यहाँ पर आपको इमाद शाही दिया है, जो कि गलत है। बीजापुर में आदिल शाही थी, ठीक है, याद रखिएगा, आदिल शाही थी बीजापुर में। इमाद शाही कहाँ पर थी? इमाद शाही आपका बरार में थी। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो इस वजह से सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतना टाइम सफिशियंट होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे और उत्तर दे पा रहे होंगे। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड को स्लो किया है इसीलिए, ठीक है। और जिनको भी स्पीड का इश्यू हो रहा है कि मैम बहुत स्लो है, वो वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए राज दिया है, राजधानी दी है, राजवंश दिया है और संस्थापक दिया है। खानदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बुरहानपुर इसकी क्या थी? राजधानी थी, फारूकी वंश था, मलिक राजा इसका संस्थापक था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बरार की बात करेंगे तो गविलगढ़ इसकी राजधानी थी, इमाद शाही था यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद बीजापुर की हम बात करेंगे, यहाँ पर नौरसपुर इसकी राजधानी थी, आदिल शाही थी। अहमदनगर में निजाम शाही थी, गोलकोंडा में कुतुब शाही थी और बीदर में बरीद शाही थी। क्लास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दक्कन में जो आपके प्रमुख राज्य राजधानियां और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं, तो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं टाइम देती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए ये आपका एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था बोला गया है। तो बताइए गोलकोंडा की अभी हमने बात की आपसे, और मैंने बताया आपको बाद में जब हम दक्कन राज की हम बात करते हैं तो वहां पर याद रखिएगा राजधानी गोलकोंडा थी, कुतुबशाही वंश था और कुली शाह था, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुली शाह ने 1512 के समय आपके गोलकोंडा राज की स्थापना की। यहाँ पर बोला गया है औरंगजेब के समय 1687 की बात की गई है, जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन, कुतुब शाह, सिकंदर अली शाह, अली आदिल शाह या फिर शाइस्ता खान। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है। हैदराबाद के कुतुब शाही राज में अब्दुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का आठवां एकदम एवं जो वो था वो एवं अंतिम शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका शासन काल अगर हम देखेंगे तो 1672 से 1687 तक चला था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई रीस्टोरिंग द राजवा फिरोज शाह ऑफ फिरोज शाह, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब्वा को पुनर्जीवित करके किया गया, तो ये बोला गया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए शेखुनी नी साहब नहर या नहरे बहिष्ट फिर या फिर नहरे आगरा, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वह है शहाब नहर बी, याद रखिएगा। मुगल कालीन शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब्वा को पुनर्जीवित करके किया गया था, तो बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जहांगीर मेनली पेट्रोनाइज्ड विच फॉर्म ऑफ फॉलोइंग आर्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने बताइए पेंटिंग को संरक्षण दिया था या फिर स्थापत्य आर्किटेक्चर को या फिर मूर्ति कला को या फिर संगीत कला को, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, ये चीज याद रखिएगा, तो ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, विच मुगल रूलर
आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदी म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो किसने ली थी, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, अकबर ने। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु यह अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण था। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिसप्रूडेंस वॉज लोकेटेड इन? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था कहां पर? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या फिर हैदराबाद में? तो ये आपका स्थित था लखनऊ में, ये आपका सही उत्तर है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं क्लास जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और मैं इन प्रश्नों को आपको इसलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि अगर ये प्रश्न बाई चांस रिपीट हो जाए तो वो आपके गलत ना हो। ये कुछ नए प्रश्न हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट इनको आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट नहीं भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं मैं उनसे बोलूंगी कि परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, थोड़े से एक दो क्वेश्चंस इसमें डिफिकल्ट हैं, तो कोई बात नहीं, आप अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको आ जाएगा पेपर के लिए। अगला हम देखते हैं, मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू, ये तो एक आसान सा प्रश्न है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे अलबुरक पे दिया है फ्रांसिस्को अल्मीरा, विलियम्स हॉकिंग या फिर हेनरी द नेविगेटर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, विलियम हॉकिंस को। 1608 का समय है ये, 1608 में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुआ था? तो टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कोर्ट? सबसे पहले आपको दिया है अकबर, फिर आपको शाहजहां दिया है, मोहम्मद शाह दिया है, और लास्ट में आपको जहांगीर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका डेवलप हुआ है मोहम्मद शाह के समय में, सी आपका सही उत्तर है। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। यह गायन शैली श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इसका प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी शोरी ने किया था। अब देखिए क्लास, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पहले पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है अगली बार परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो है, ठीक है, उसका प्रचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखेंगे, गुलाम नबी शोरी द्वारा, और ये आपकी किसके समय में आई थी, मोहम्मद शाह के समय में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो बताइए, शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के समय? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, शाहजहां के समय में। उपनिषद का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ। उपनिषद का जो फारसी अनुवाद था उसे हम कहते हैं सिर ए अकबर, ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी, दारा शिकोह ने की थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर ए सही है। यहाँ पर देख लीजिए, सिर ए अकबर कहलाता है और इसकी रचना किसने की थी, दारा शिकोह द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सल्तनत काल में प्रचलित सदका क्या था? सदका क्या था बताइए, समय लीजिए बताइए। एक प्रकार का धार्मिक कर था, शहर का अधिकारी था, साधारण किसान था या फिर भूमि का पैमाइश था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सदका, एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए,
सल्तनत कालीन प्रचलित शब्दावलियों को एक बार हम लोग देखते हैं। अमलाक की बात करेंगे तो यह वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधी कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था। इदरार की हम बात करेंगे, विद्वान तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। लिबाइज की बात करेंगे, रुई भरी हुई पोशाक। दादबेग की बात हम कहेंगे तो शहर का अधिकारी। जहानदारी की हम बात करेंगे, शासन प्रबंध एवं राजव्यवस्था या राजव्यवस्था। बलाहार की हम बात करेंगे, साधारण किसान को बलाहार कहते थे। फाजिल की हम बात करेंगे तो अधिशेष भूमि, अभी भी हम कहते ना फाजिल है, ये एक्स्ट्रा है। बंजारा की हम बात करेंगे तो घुमक्कड़ अनाज व्यापारी। मसाहत की हम बात करेंगे, भूमि की पैमाइश। मुसरिफ की बात करेंगे तो गांवों में किसानों से भूमि वसूल करने वाला अधिकारी। हुलिया सैनिक का पूर्ण विविकरण। और शशगनी छह जीतलो के समक्ष चांदी का एक छोटा सिक्का। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ लिया जाता है सल्तनत कालीन जो शब्दावलियां हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे जिससे बहुत सी चीजें आपको पता है। हम फाजिल कहते हैं ना, फाजिल है एक्स्ट्रा है, तो अधिशेष भूमि, ठीक है। आपको पता है बंजारा, बंजारा हूं मैं, बंजारा घुमक्कड़ टाइप का, ठीक है, याद रहेगा आपको। हुलिया, हुलिया देखिए, हुलिया लोग कहते हैं, अब हम कहते हैं हुलिया बनाकर, तो हुलिया हम लोग कहते हैं किस तरीके का हुलिया बनाए, लेकिन यहां पर हुलिया का मतलब क्या था, सैनिक से रिलेटेड था वो, तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं। सैनिक, कैसा हुलिया चाहिए, सैनिक वाला, सोल्जर वाला हुलिया चाहिए, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, सोल्जर वाला हुलिया चाहिए मुझे, ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए यहाँ पे लिबाइज की बात करेंगे तो आप लिबास, लिबास बात करते हो लोग कि लिबास का है, लिबास का है, तो लिबाइज मतलब रुई से भरी हुई एक तरीके की पोशाक होती थी। तो क्लास मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके की जब शब्दावली आती है तो आप ट्रिक से याद करते हो तभी आपको एग्जाम में याद रहता है, नहीं तो किसी को ना इतनी शब्दावलियां नहीं याद रहती है। तो थोड़ा सा भी इमेजिनेशन बनाकर, ठीक है, आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने बताया लिबाइज, लिबास तो एक तरीके की पोशाक होती थी रुई से भरी हुई। तुमसे पूछा गया किस तरीके का हुलिया चाहिए, आपने कहा मुझे सैनिक वाला हुलिया चाहिए। फिर फाजिल तो आप लोग जानते हैं कि अधिक मतलब ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, विद्रोह के केंद्र दिए हैं, विद्रोही नेता दिया है और विद्रोह को कुचलने वाले दिए हैं। तो जब हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में आपके लीडर कौन थे बताइए, नाना साहेब थे। और इसको क्रश किसने किया था, कुचला किसने था, कैंपबेल ने। लखनऊ में हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, कैंपबेल ने यहाँ पे भी इसको कुचला था। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई और यहाँ पे हुजरोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही आपके सही हैं, डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास। यहाँ पर देखिए एक बार इसको प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में अभी रिसेंट में पूछा गया था कि कौन सा विद्रोह का दिन था, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट और बना दिया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले विद्रोह आपका दिल्ली से स्टार्ट हुआ, वहां पे विद्रोही नेता कौन थे, बहादुर शाह थे। विद्रोह का दिन क्या था, 11 मई 1857। निकलसन ने इस विद्रोह को क्या किया था, कुचला था। लखनऊ की बात करेंगे, बेगम हजरत महल थी, 4 जून था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कालीन कैंपबेल थे। कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे थे, 5 जून। तो पहले लखनऊ के बाद आपका कानपुर में गया था और कैंपबेल ने यहाँ पर भी इसको दबोचा था। झांसी की बात करेंगे, कुचला था मतलब, झांसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, 4 जून। जगदीशपुर की बात करेंगे तो कुंवर सिंह, 12 जून, ठीक है, और यहाँ पे विलियम टेलर थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे और जून 1857 में जनरल रेनार्ड द्वारा इसको वो किया गया था, खत्म किया गया था। और इलाहाबाद में लियाकत अली थे, ठीक है, और बरेली में खान बहादुर थे। यहाँ पर भी कर्नल नील थे इलाहाबाद में और विंस्टन आयर कहाँ पे थे, बरेली में थे। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पर ट्रेड विंड की बात की गई है, क्लास समझेगा, ठीक है। तो ट्रेड विंड की दिशा क्या होती है बताइए, दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्वी, पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। फिर इसे दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आप समय ले लीजिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लोग, तो फिर मैं आपको उत्तर बताती हूँ कि सही उत्तर क्या हो। यहाँ पर ये याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है उत्तर पूर्व
दक्षिण पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये फिगर से क्लियर होगा आपका। यहाँ पर देखिए ये आपके ट्रेड विंड है, ठीक है, और ट्रेड विंड का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है ना ट्रेड विंड का, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो किस डायरेक्शन से किधर की तरफ जा रही है, तो ये आपका जा रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ना, तो वही लिखा है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड विंड हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी यहीं पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ट्रेड विंड ये दिख रहा है, ठीक है, ट्रेड विंड इधर दिख रहा है, तो यहां पर देखिए अब इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करिए, यहाँ पे सैरो को ऐसे प्लेस करिए, ऐसे प्लेस होगा, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये साउथ ईस्ट से किधर जा रही है आपके नॉर्थ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गया आपके किधर सदर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज क्लियर हो गई ना, बस इसी एरो को अगर आप ऐसे रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा दी गई है, तो ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा किसको दी गई है बताइए, इंग्लैंड स्कॉटलैंड नॉर्वे को, इंग्लैंड आयरलैंड नीदरलैंड को, या फिर इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल को, या फिर इंग्लैंड वेल्स और फिनलैंड को, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ग्रेट ब्रिटेन में संयुक्त रूप से आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों होते हैं, ठीक है। अगर इसमें यदि इसमें हम उत्तरी आयरलैंड को भी सम्मिलित कर दें तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखते हैं हम एक बार, यहां पर देखिए जब हम सी की बात कर रहे हैं तो ये आपका इधर देखिए ये इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ये स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, और ये वेल्स हो गया। अगर इन तीनों को हम क्लास लेके चल रहे हैं, इन तीनों को, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, ठीक है। और यदि इसी ग्रेट ब्रिटेन में हमने उत्तरी आयरलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दिया, इसको भी सम्मिलित कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर एक जल संधि है जिसको कि हम डोवर जल संधि कहते हैं, जो डोवर जल संधि है, मैं आपको एक चीज और पॉइंट बता रही हूं, जो डोवर स्ट्रेट है, याद रखिएगा, डोवर स्ट्रेट यूरोप की मुख्य भूमि को इससे अलग करता है, तो अगर परीक्षा में पूछेगा कि यूरोप को हम यूनाइटेड किंगडम से किस स्टेट द्वारा अलग कर किया जाता है, तो ये आपका डोवर स्टेट, यहाँ पे याद रखिएगा ये भी फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज, एक दो चीजें और देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और डेनमार्क को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, स्पेन व पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में कौन सा विकल्प दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है, तो यहां पर किसकी बात की गई है, अफ्रीका महाद्वीप की बात की गई है, तो यहां पर आपका दक्षिण से साउथ टू नॉर्थ बोला गया, मतलब ऐसे साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पर अगर क्लास हम देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका अफ्रीका का वो रहता है थोड़ा ये ऐसे करके, ठीक है, तो कालाहारी आपको पता है साउथ में, हमने डिस्कस भी किया है ये चीज, किस तरीके से हमने परीक्षा के प्रश्न को डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो कि आपकी एंटायरली लाई कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, मैंने ये आपको बताया था ना कि कौन सा ऐसा आपका डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिण हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो वो कालाहारी है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए तो सदन में सबसे कालाहारी हो जाएगा, तो आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कालाहारी के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको विक्टोरिया लेक दिखेगा, फिर आपको गल्फ ऑफ एडन दिखेगा, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, बी, बी आपका सही उत्तर है। चलिए यहां पर देख लीजिए क्लास, एक बार हम डेजर्ट्स को देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये आपका कालाहारी डेजर्ट है, इधर आपको नामबिब डेजर्ट दिखेगा, दोनों याद रखिएगा प्लीज क्लास, कालाहारी और सॉरी इधर नामबिब डेजर्ट, इधर आपको सहारा डेजर्ट दिख रहा है, इधर न्यूबियन, ठीक है, इधर डेनाकिल और अरेबियन डेजर्ट आपको इधर की तरफ दिखेगा। अगर इधर हम देखेंगे तो इधर अटाकामा याद रखिएगा, पेंटागोनियन आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा,
अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो इधर सोनोरन परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, ये सब आपके कहां पर है? ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। थार इधर दिख गया आपको, गोबी डेजर्ट इधर मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में दिख गया, तो एक बार इसको पढ़िएगा जरूर आप लोग। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैसे हम और भी टेस्ट में डिस्कस करते जाएंगे तो सब आपका रिवीजन होता जाएगा, लेकिन बस आपको करना क्या है, एक पेन और नोटबुक के साथ बैठा करिए, अगर कोई भी चीज का आंसर आपको नहीं पता है और वो पास्ट ईयर का प्रश्न है या उससे डिराइव्ड कोई प्रश्न है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जब भी समय मिले तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। इसलिए ना पेन पेंसिल या कुछ भी लेके और एक नोटबुक लेके जरूर पढ़ा करिए। यहाँ पे देखिए आर्कोलॉजिकल साइट्स है और प्रेजेंट स्थान है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें निवासा दिया है, फिर इसमपुर दिया है, फिर डिडवाना दिया है और गुड़ियाम गुफा दिया है। तो यहाँ पे सबसे आसान तो डिडवाना है, हमने कई बार उसमें भी पढ़ा है एनवायरमेंट में भी कि डिडवाना कहाँ पर है, डिडवाना राजस्थान में है, तो सी का फर्स्ट, वेरी गुड, सी का फर्स्ट दो जगह दिया है, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, अगर सी का फर्स्ट है तो डी का सेकंड है, तो यहाँ पे गुड़ियाम गुफा जो है वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा निवासा और इसमपुर, तो निवासा आपका कहाँ पर है, ये भी आसान है, निवासा महाराष्ट्र में है, इसमपुर जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रीसेंट का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है यहाँ पर, मैंने आपको एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया है, जब भी हम पारिस्थितिकी की बात करेंगे, इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, तो इकोसिस्टम को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक लोटिक होता है और एक आपका लेंटिक होता है, ठीक है। अब लोटिक को याद करने का तरीका क्या है, लोटना, लोटना, जब आप लोटते हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो लोटते लोटते, लेंटिक मतलब लेट जाओ, मतलब एक ही जगह पड़े रहो, तो यहाँ पर लोटिक इकोसिस्टम की बात की गई है। तो बताइए दलदल क्या आपका लोटता है, पानी दलदल में एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, दलदल के पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ये किस तरीके का इकोसिस्टम है, ये आपका लेंटिक इकोसिस्टम, एक जगह पानी लेटा हुआ है जा नहीं रहा है। तालाब की बात करेंगे, क्या तालाब में पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं, यहाँ पर भी पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो ये लेंटिक इकोसिस्टम है। रिवर की बात करेंगे, हाँ नदी तो एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, तो ये आपकी लोटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लोटिक, ये इसको हटाइए, लोटिक, और यहाँ पर आपका मार्सी एरिया, यहाँ पर भी आपका लेंटिक है, पानी एक जगह कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे शिवाना समुद्र की हम बात करेंगे तो ये आपका हाइड्रल पावर स्टेशन है, ठीक है। और जब हम कल्पक्कम की बात करेंगे तो कल्पक्कम आपका एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। शिवाना समुद्र की अगर हम बात करेंगे या फिर शिव समुद्रम की हम बात करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है और कहां पर है, कर्नाटक में है, दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए खरीतादार कौन है, ठीक है, खरीतादार कौन है, तो ये सल्तनत काल से रिलेटेड है, तो सल्तनत काल में फरमान भेजने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे, खरीतादार कहते थे। फरमान को भेजने वाले अधिकारी को या फिर शाही महल का प्रधान संरक्षक अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है या फिर परगाना का प्रमुख अफसर, तो मैंने आपको बताया डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, ये क्या है, इसको हम कहते थे खरीतादार। चल आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, इन नेशनल पार्क जेनेटिक डायवर्सिटी इज मेंटेन बाय इन सेतु संरक्षण द्वारा, एक्स सेतु संरक्षण द्वारा, जीन पुल द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए क्लास, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, तो संरक्षण दो तरीके से हो सकता है, एक इन सेतु, ठीक है, और दूसरा एक्स सेतु। आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ये इन सेतु की बात हम कर रहे हैं, तो मतलब ये जो भी डायवर्सिटी है, मतलब जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो जहां पर है, जिस एरिया में, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, वहीं पर हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक जंगल है, उस जंगल में शेर है, आपके विभिन्न विभिन्न आपके जानवर वहां रहते हैं, और अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां भी हैं, तो हम उनको जहां पर वो है जंगल, वहीं पर उनको एक बाउंड्री खींचकर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर ना हो, हम उनको वहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम इन सेतु कहते हैं। लेकिन कभी कभी जो हम संरक्षण देते हैं, वो उस जगह पर जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां पे ना देकर हम उनको रिलोकेट करते हैं किसी और जगह पे, अनदर प्लेस पे। अब ये अनदर प्लेस आपका जू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई लैब हो सकता है जहां पर हम उनको संरक्षण दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा एक्स सेतु कहलाता है। अब देखिए, नेशनल पार्क जो होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, तो वो कहीं दूसरी जगह से थोड़ी लाके बनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान तो नेचुरली वहां पर होता है, बस हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं कि आज से हम इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी ये बफर जोन हो गई, ये आपका कोर एरिया हो गया, और ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अब नहीं होगी, अगर होगी भी तो बफर एरिया में होगी, तो उसी जगह पे हम उनके संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इन सेतु कंजर्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, क्या बोला गया है कि जो पहला आपका भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन डायवर्सिटी कहाँ पर है बताइए? भावनगर में, मुंबई में, पुंडुचेरी में, या फिर जामनगर में? तो ये आपका है जामनगर में, और जामनगर आपका कहां पर है? जामनगर गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका डी सही उत्तर हो गया, ये गल्फ ऑफ कच्छ उधर की तरफ है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क गुजरात में कौन कौन से हैं, तो एक आपका गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में लोकेटेड है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। मैराइन नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये भी आपका गुजरात में है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये भी गुजरात में है। तो ये सारे फैक्ट्स अपने दिमाग में बना के रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछे तो आप आसानी से उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं, बंदरगाह दिया गया है और देश दिया गया है। तो इकारगा चीन में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में है, और रोटरडैम नीदरलैंड में है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रोटरडैम जो है वो नीदरलैंड में है, एकदम सही है। मॉन्टेवीडियो जो है वो उरुग्वे में है, एकदम सही है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, सही है। लेकिन इकारगा जो है वो चेन्नई में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये रशिया में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्लास, ये प्रश्न मैंने आपको बोला था कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में बना है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे दिया है झांसी में 11 मई 1857 को आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ पे बैरकपुर में 29 मार्च 1857 दिया है, जो कि आपका सही है। लखनऊ में 4 जून 1857 दिया है, जो कि आपका सही है। मेरठ में 10 ग्यारह मई 1857, ये भी सही है। देखिए 1857 का जो विद्रोह था, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को, 10 या 11 मई कुछ भी रहे आपका, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी, ठीक है। फिर इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी हो गया था। लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो 4 जून 1857 को, ठीक है। यहाँ पे बैरकपुर में अगर हम बात करेंगे तो 29 मार्च 1857, और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे झांसी में, तो ये आपका जून 1857 का समय है, 11 मई का नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर होगा,
अगला प्रश्न हम देखेंगे, आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज इलेबोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट, बताइए किसके द्वारा अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया गया था। तो यहाँ पे एच स्पेंसर दिया है, योगेंद्र सिंह दिया है, जी एस घुरिया दिया है और फिर एम एस श्रीनिवास दिया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी, सही है, गोविंद सदाशिव घुरिया ने आपके कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, ये अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार में बताया था। तो अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो ये रूलर प्लस अर्बनाइजेशन से मिलकर बना है, ये चीज याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने ज्यादातर पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में। और जाते जाते फिर आपसे कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसको प्ले करना है, वो आपको प्ले करना है, ठीक है। तो अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, और इसी विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है, और मेहनत सही डायरेक्शन में करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अगर आज जो आपने डाउट पूछे थे लास्ट क्लास में वो आपको समझ में आ गया तो वो भी मुझे बता दीजिएगा कि मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ, टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।